श्री अकाल जी, सारियां नूं स्वागत करती हाँ। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते अज दी इस वीडियो दे विच असीं करांगे भारत दा संविधान। हाँ जी, भारत दा संविधान, भारत दे संविधान दी पूरी डिटेल करांगे। जिस तरह दे क्वेश्चन आउंदे ने असीं स्टार्टिंग तों लैके करांगे कि किस तरह संविधान दे केड़ी कमेटी दे तहत संविधान बनन लग्या सीगा, किन्नियां बैठकां होईयां सीगियां उहदे लई ते किन्ने उहदे विच अनुच्छेदां ऐड कीतियां गईयां ते किन्नियां 2021 तक उहदे विच सोधां कीतियां गईयां, इह सारियां असीं इस वीडियो दे विच डिस्कस करांगे। इंपोर्टेंट अनुच्छेदां करवावांगी मैं तुहानूं, इंपोर्टेंट अधिकार करावांगी मैं तुहानूं इस वीडियो दे विच, ते इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर आउंदे ने उन्हां दे नाल रिलेटिड पूरी डिटेल दे विच डिस्कस करांगे असीं संविधान नूं। बहुत सारे कमेंट आउंदे सी कि पूरी डिटेल दे विच कराया जावे, तां अज मैं पूरे दे पूरे वो पॉइंट लैके आई हाँ तुहाडे लई जिहड़े कि संविधान दे रिलेटिड क्वेश्चनस पेपरां दे विच आम ही पुछे जांदे ने। जेकर तुसीं किसी भी गौरमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हो, हाँ जी, हरेक गौरमेंट पेपर के सिलेबस का तुसीं किसी भी पेपर का सिलेबस उठा के देख सकते हो कि भारतीय संविधान तो हरेक विच पुछया जांदा ही आ। ठीक है, जेकर तुसीं किसी भी गौरमेंट पेपर की तैयारी कर रहे हो तो अज की यह वीडियो बिल्कुल भी ना छड्डना। अज की यह वीडियो काफ़ी ही हैल्पफुल होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखना वीडियो नूं। अते जेकर तुसीं इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक कर लवो, ता जो मेरी आने वाली हरेक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सब तो पहला देखो भारत का संविधान कर रहे हैं असी पूरी डिटेल दे विच। हाँ जी, हाँ जी, सब तो पहला देखो कैबिनेट मिशन दियां सिफारशां ते आधारित संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी विच भारतीय संविधान के निर्माण लई कीता गया सी। हाँ जी, इहदे लई जिहड़ा तुहानूं क्वेश्चन पूछा जाता वो ये पूछा जाता कि भारत की संविधान सभा किस दे अनुसार गठित की गई सी, तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन दियां सिफारशां दे आधार ते गठित की गई सी। ठीक है जी, तो इहदा निर्माण ही भारतीय संविधान नूं भारतीय संविधान के निर्माण करन लई कीता गया सीगा कैबिनेट मिशन दियां सिफारशां दा। कैबिनेट मिशन योजना यह 1946 दे विच ही बनाई गई सी भारतीय संविधान का निर्माण करन दे लई, ये तुसीं याद रखना। हाँ जी, नैक्सट पॉइंट आ साडे कोले संविधान सभा का पहली बैठक जे 9 दसंबर 1946 संसद भवन विच हुई सी, ते सचिदानंद सिन्हा नूं अस्थाई प्रधान चुनिया गया सी। हाँ जी, इहदे नाल जिहड़ा तुहानूं इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता वा वो ये आ कि संविधान सभा की पहली बैठक किते हुई सी, तो संविधान सभा की पहली बैठक नवीं दिल्ली दे विच संसद भवन दे विच होई सी, ते कदों होई सी 9 दसंबर 1946 ईस्वी नूं होई सी। ते इस विच इहदे जिहड़े प्रधान बने सी ओह डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा बने सीगे, ये भी तुसीं याद रखना, अस्थाई प्रधान सीगे, ये भी याद रखना। ठीक है जी, अस्थाई प्रधान सीगे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नैक्सट, 11 दसंबर 1946 ईस्वी नूं दूजी मीटिंग हुई सी, फिर ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का परमानेंट यानी कि स्थाई प्रधान चुनिया गया सी। ठीक है जी, 11 दसंबर 1946 ईस्वी को फिर संविधान की दूजी मीटिंग हुई सी, उहदे विच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थाई प्रधान चुने गए सीगे। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, असं सारिया इंपोर्टेंट अनुसेदा करनिया ने, इस करके वीडियो तुम्हें छड़ना नहीं, बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है तुहाडे लई। हाँ जी, फिर सब तो बाद देखो 13 दसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उदेश मता पेश करके संविधान का नींह पद्धर रखिया सी। ठीक है जी, नाल दी नाल पॉइंट नोट करी जाना जां फिर याद करी जाना। नैक्सट, संविधान बनाउण दा काम करन लई कई कमेटियां बनाईयां गईयां, इस विचों एक सब तो पहला मुख जिहड़ी कमेटी सी उह सीगी ड्राफ्ट कमेटी बनी सी, ते ड्राफ्ट कमेटी दे जिहड़े मुखी सीगे ओह डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने सी। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी दे जिहड़े मुखी सीगे ओह डॉक्टर भीम राव अंबेडकर सी। ठीक है जी, इन्हां ने प्रधानगी कीती सी ड्राफ्ट कमेटी दी, ये भी तुसीं याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन, ड्राफ्ट कमेटी विच डॉक्टर अंबेडकर तो इलावा एन गोपाल स्वामी अंग्यार, अलाई कृष्णा स्वामी आयर, के एम मुंशी, मुहम्मद सदूला, डी पी खेतान 1948 ईस्वी विच इन्हां दी मौत हो गई सी, ते उस तो बाद टी टी कृष्णमाचारी नूं इन्हां दी जगह ते शामिल किया गया, अते एन माधव राव दूजे मैंबर सन। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना।
हाँ जी, वी एन राव नू संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया सी। वी एन राव नू संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया सी। हाँ जी, 1946 जुलाई 1946 तो बाद जिमें जिमें संविधान के शोधा हुई जो जो चीज़ा ऐड की गई जो जो प्रधान बने वो सारे असी इस वीडियो दे विच देखांगे। हाँ जी, संविधान नू तैयार करन लई 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे सी, जानी कि लगभग 3 साल लगे सी। नैक्सट, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी नू तैयार होया अते इस दिन इस नू अपनाया गया। ठीक है जी, संविधान नू अपनाया कदों गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी नू, ते लागू कदों कीता गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी नू। ये भी तुसी याद रखना, असी अगे जाके पढ़ांगे। हाँ जी, क्वेश्चन तुहानू इदां आ जांदा कि संविधान का स्वरूप पूरी तरह बन के तैयार कदों होया सी? तो तैयार होया सी 26 नवंबर 1949 ईस्वी नू तैयार होया सी, ते इस दिन ही अपना लिया गया सी, पर लागू होया सी 26 जनवरी 1950 दे विच। अगे देखो, संविधान छब्बी नवंबर 1949 ईस्वी नू तैयार किया गया सी, पर इस दे ज़्यादातर हिस्सों 26 जनवरी 1950 नू लागू किया गया सी। हाँ जी, तैयार तो 26 नवंबर 1949 नू हो गया सी, इस हुण 26 जनवरी 1950 इस दिन संविधान लागू होया सी, क्योंकि 26 जनवरी 1929 इंडियन नैशनल कांग्रेस ने पहली बार इंडिया पूर्ण स्वराज की मंग की सी। ठीक है, फिर 26 जनवरी 1930 यह जिहड़ा दिन मनाना शुरू हो गया सीगा गणतंत्र दिवस के रूप में, अते फिर उही डेट नू रिमैंबर रखन दे लई 26 जनवरी 1950 नू उन्होंने संविधान लागू किया सीगा। ठीक है जी, ये भी तुसी याद रखना, 26 जनवरी नू रिपब्लिक डे भी हुंदा है, मनाया जाता है। हाँ जी, नैक्सट, 1930 ईस्वी तो 26 जनवरी का दिन पूरे भारत में आज़ादी दिवस वजो मनाया जाता सी, इस कारण करके 26 जनवरी 1950 नू पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये भी तुसी याद रखना। ठीक है जी, हाँ जी, अगे संविधान सभा की जिहड़ी आखिरी मीटिंग आ, हाँ जी, आखिरी मीटिंग 24 जनवरी 1950 नू हुई सी। ठीक है जी, 24 जनवरी 1950 नू आखिरी मीटिंग हुई सी, अते उसे दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए सी। नैक्सट, हाँ जी, फिर जदों संविधान बन के तैयार भी हो गया सी, लागू भी हो गया सी, तां उस दे विच उस टाइम 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां सन। ठीक है जी, 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां, ये याद रखना। हाँ जी, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर नू भारतीय संविधान के पिता वजों जाणिया जांदा है। ठीक है, पिता वजों जां भारतीय संविधान के जनक किनू कहा जाता है? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर नू। हुण देखो, इस संविधान के विच जिहड़ी जिहड़ी मानता प्राप्त हुई सी, किहड़ी किहड़ी चीज़ नू असी राष्ट्रीय घोषित किया सीगा, उन्हां तत्थां बारे असी पढ़ांगे जिहड़े कि बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट ने। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 नू तिरंगे नू राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया सी। ठीक है जी, संविधान सभा जो बन के तैयार हो रहा सी तां उहदे विच लिखे हुए सी पॉइंट ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਿਰੰਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਡੇਟਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਜਨ ਗਨ ਮਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ? 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, 24 ਜਨਵਰੀ 1950। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਬੈਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਕਸਟ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਖੇ ਅਸ਼ੋਕ ਥੰਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਥੰਮ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਲਈ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਅਨੁਛੇਦ ਲਏ, ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ,
सब तो पहला देखो ब्रिटिश का संविधान जिहड़ा अंग्रेजों का संविधान सीगा उहदे विचों असीं ब्रिटिश दे विचों किहड़ा लिया सीगा, एक तां असीं लई सी जी संसदीय शासन प्रणाली, दूसरा असीं लिया सी कानून बनाउण दी प्रक्रिया अते सिंगल नागरिकता। ठीक है जी, हाँ जी, ये तुसीं याद रखना संसदीय शासन प्रणाली कानून बनाउण दी प्रक्रिया अते सिंगल नागरिकता असीं ब्रिटिश तों लईआं वा। ठीक है जी, ब्रिटिश दे संविधान तो। फिर असी देखते हैं दक्षणी अफ्रीका तो असी की लिया। हाँ जी, दक्षणी अफ्रीका तो असी संशोधन करन दी प्रक्रिया ली। ठीक है जी, ये तुसी याद रखना। नैक्सट क्वेश्चन कनेडा का संविधान। हाँ जी, कनेडा के संविधान तो असी संघी प्रणाली का संविधान लिया, केंद्र सरकार के जिहड़ियां अधीन शक्तियां वा वह असी कनेडा के संविधान तो लिया, भारत के संविधान ने। ठीक है, साढ़े भारत के संविधान ने। नैक्सट, हाँ जी, अगे आ गया अमरीकी संविधान। अमरीकी दे संविधान विच अमरीका दे संविधान तो असी प्रस्तावना, मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति दीयां शक्तियां ते कार्ज, उपराष्ट्रपति दा आउंदा अते संशोधन प्रणाली लई। हाँ जी, ये सारे पॉइंट तुसी याद कर लैने ने, नोट रखने ने, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट नोट जिहड़े कढ़े असी संविधान दे विचों, जिहड़े कि बिल्कुल सीरियल वाइज लगाए गए आ। नैक्सट, हाँ जी, फिर आस्ट्रेलिया का संविधान। आस्ट्रेलियन संविधान तो असी प्रस्तावना की भाषा ली आ, समकाली सूची और आपातकाल संबंधी जानकारी ली आ। हाँ जी, आपातकाल संबंधी यानी कि एमरजेंसी की भी जानकारी असी आस्ट्रेलिया के संविधान तो ली आ। नैक्सट, जर्मनी। हाँ जी, इतने तो असी गल की सी आपातकाल की, कला आपातकाल। ठीक है, ये तुसी याद रखना, जिथे फिर आ गया वित्तीय आपातकाल असी जर्मनी तो लिया वा। ठीक है जी, जर्मनी तो असी लिया वा वित्ती आपातकाल। नैक्सट, जापानी संविधान। हाँ जी, फिर जापान तो असी लिया वा कानून द्वारा स्थापित प्रक्रियावां अते शब्दावली। नैक्सट, रूस तो असी लिया जी मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भी कह सकते हो, मौलिक कर्तव्य भी तुसी कह सकते हो। ठीक है जी, ते मूल इत्थे हैगे मूल कर्तव्य रूस तो लिया, मूल अधिकार असी अमेरिका तो लिया, असी उपर पढ़ चुके हैं, याद रखना। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, रूस तो असी मूल कर्तव्य ले आ ते अमेरिका तो असी मूल अधिकार ले आ। नैक्सट, हाँ जी, फ्रांस का संविधान। फ्रांस का संविधान तो असी गणतंत्र दे संबंधी जानकारी है जिहड़ी, ये फ्रांस के संविधान तो ली आ। हाँ जी, अगे आ गया आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान तो असी नीति दे निर्देशक सिद्धांत अते राजसभा की जानकारी ली आ। साडे संविधान ने नीति दे निर्देश सिद्धांत ते राजसभा बारे जानकारी आयरलैंड दे संविधान तो ली है। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, अगे आ गई दियाँ प्रमुख अनुच्छेदा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, तुसी ध्यान देना, अनुच्छेदा दे विच सोधा हुई सीगियां, ये सारा कुछ तो असी लास्ट दे जिहड़ा कर चुके हैं। हुण देखो जिहड़ियां सोधा हुई इन्हां दे अकॉर्डिंग जनवरी 2021 तक पहला साढ़े को 395 आर्टिकल सी, ते जनवरी 2021 तक हुण 465 प्लस हो गए आ। ठीक है जी, ये भी तुसी याद रखना। तो पहला संविधान के 22 भाग सी, ते हुण 25 भाग हो गए आ, ये भी तुसी याद रखना। हाँ जी, सब तो पहला असी गल, हाँ जी, हुण असी गल करते हैं प्रमुख अनुच्छेदा की। प्रमुख अनुच्छेद दे विच देखो, पहला देखो भाग वन आउंदा वा, भाग वन दे विच एक तो लैके चार तक आर्टिकल आ, चार तक अनुच्छेदा ने। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना, ते ओह कादे नाल संबंधित आ, संघ ते उहनां दे खेत्रां दे नाल संबंधित आ। ठीक है जी, आर्टिकल एक तो लैके आर्टिकल चार तक भाग वन दे विच आउंदे आ। अगे असी गल कर लैंदे आ भाग टू की। हाँ जी, भाग टू दे विच अनुच्छेदा किन्नियां ने, आर्टिकल 5 तो लैके आर्टिकल 11 तक, भाग टू दे विच आर्टिकल 5 तो आर्टिकल 11 तक ने जिहड़े आर्टिकल ने। ठीक है जी, ते कादे नाल संबंधित आ, ये नागरिकता नाल संबंधित आ, ये भी तुसी याद रखना। हाँ जी, अगे सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिदे विचों हैगा जी भाग 3 आर्टिकल 12 तो 35। हाँ जी, भाग 3 दे विच हैगे आ मौलिक अधिकार, ते आर्टिकल 12 तो लैके 35 तक दिते जांदे आ, ते इहदे विचों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउंदे आ मौलिक अधिकार दे विचों, ते इहनू असी थोड़े जिहे डिटेल दे विच डिस्कस कर लैने आ। हाँ जी, भारत दे संविधान दे भाग 3 विच अनुच्छेद 12 तो लैके 35 तक मूल अधिकार दिते हुए आ। ठीक है जी, ये तुसी याद रखना, जदों संविधान बन के तैयार होया सीगा उस टाइम इहदे विच 7 मौलिक अधिकार सीगे। ठीक है जी, 7 अधिकार सीगे,
ये भी तुसी याद रखना। तो एट प्रेजेंट हुण 6 अधिकार रह गए ने, ठीक है। क्यों रह गए ने? देखो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का मौलिक अधिकार नूं समाप्त कर दिता गया सी, जां फिर ये कह लो कि संपत्ति के मौलिक अधिकार नूं मौलिक अधिकार दे विच्चों हटा के धारा 300A दे विच दर्ज कर दिता गया सी, ठीक है। ये भी तुसी याद रखना किद्दां कीता सीगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, ये तुसी याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हुण एट प्रेजेंट मौलिक अधिकारां दी गिनती 6 आ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 12-13, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 14-18, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਰਟੀਕਲ 19-22। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 23-24, ਆਰਟੀਕਲ 23-24, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗੀ ਅੱਗੇ, ਆਰਟੀਕਲ 25-28। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 29-30, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 32। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 12 ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ? ਆਰਟੀਕਲ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 23 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਤੱਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 29 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 32, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 32। ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਸੰਸਦ ਦੀ ਇਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੈਨਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਭੇਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਰਟੀਕਲ 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੈਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 35 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਭਾਗ 4। ਹਾਂਜੀ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅਨੁਛੇਦ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਅਨੁਛੇਦ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਛੇਦ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 51 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗ ਐਡ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਭਾਗ 4, ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵਾ ਭਾਗ 4A ਐਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਭਾਗ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਗ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਭਾਗ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ 25 ਭਾਗ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ 22 ਭਾਗ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗ ਸੀਗੇ? 22 ਭਾਗ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਉਦੋਂ 22 ਭਾਗ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ 25 ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਭਾਗ 22 ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ 22 ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ 7 ਦੀ। ਉਸ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ 7 ਆ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 21 ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਭਾਗ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 21 ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਇਆ 4A, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਐਡ ਹੋਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ 9A, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਐਡ ਹੋਇਆ 9B।
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 4A ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਡ ਹੋਇਆ ਭਾਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14A, ਭਾਗ 14A ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 1, 2, 3, 4, 21 + 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 25। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿ 25, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਭਾਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 22 ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਗ ਉਹ 25 ਬਣਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ AB ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 4 ਦੀ। 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਭਾਗ 4A ਆ ਜਿਹੜਾ, ਭਾਗ 4A ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਗ 4A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੂਲ ਕਰਤੱਬਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ 36 ਤੋਂ 51 ਤੱਕ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਗੇ, 51A ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 51A ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਮੂਲ ਕਰਤੱਬ। ਰਾਈਟ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਸੋਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਭਾਗ ਹੈਗਾ 5। 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਗ ਆਇਆ 5। ਭਾਗ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਅਨੁਛੇਦ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 151 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਗ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 151 ਤੱਕ, ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਆਰਟੀਕਲ ਭਾਗ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਧਿਐਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਆਰਟੀਕਲ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 73 ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਫਿਰ ਆਰਟੀਕਲ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 76 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 76, ਇਕੱਲੇ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਅੱਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 77 ਅਤੇ 78, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, 77 ਅਤੇ 78 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਧਿਐਨ 2, ਇਹ ਤਾਂ ਅਧਿਐਨ 1 ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਸਨ 1 ਸੀ, ਅੱਗੇ ਲੈਸਨ 2 ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 79 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 88 ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 89 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਇਹ 89 ਤੋਂ 98। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ 99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਚੁਕਾਉਣੀ, ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੇਣਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਕੋਰਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 99 ਅਤੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 101 ਤੋਂ, ਆਰਟੀਕਲ 101 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 104 ਤੱਕ ਇਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 105 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 106 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਆ 105 ਅਤੇ 106, ਇਹ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 107 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 111 ਤੱਕ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਾਬਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਧੰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਧੰਨ ਬਿੱਲ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਿੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ 109 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਕਲ 109 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਆਰਟੀਕਲ 110 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 111 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 112 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 117 ਤੱਕ, ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਬਤਾ, ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ 100
18 तो लैके 122 तक जिहड़े आर्टिकल आ वो जापता सधारण तौर पर संबंधित किए गए आ। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी सब तो पहला देखो नैक्सट नहीं अध्ययन थर्ड साढ़े को फिर अगे लैसन फोर्थ आ जाता है जिदेज की है 123वीं आर्टिकल आ राष्ट्रपति दियाँ विधायनिक शक्तियां की गल की गई है। फिर अगे साढ़े को आ जाता है लैसन फोर जिदे आर्टिकल 124 तो लैके, हाँ जी आर्टिकल 124 तो लैके आर्टिकल 147 तक, आर्टिकल 124 तो 147 तक संघ की न्यायपालिका का वर्णन किया गया है। ठीक है जी, अगे साढ़े को आ जाता लैसन फाइव जिदे आर्टिकल 148 तो लेके 151 तक, हाँ जी 151 तक भारत दे कंट्रोलर दे नाल संबंधित है। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना। हाँ जी अगे हुण असी गल करते हैं भाग छे दी। भाग छे दे विच देखो भाग छे आ जिहड़ा ये राज्यां दे नाल संबंधित आ। ठीक है, राज्यां दे नाल संबंधित तुसी याद रखना भाग छे ते इहदे विच किन्नियां अनुच्छेदां मैं इहदे विच आर्टिकल हैगे आ जी, इहदे विच आर्टिकल हैगे आ 152 तो लैके 237 तक। नैक्सट भाग सत्त आ जांदा साडे कोले, भाग सत्त दे विच अनुच्छेद 238 दित्ती हुई आ, अनुच्छेद 238 कल्ले भाग सत्त दे विच आ इह, ये तुसी ध्यान देना। ठीक है जी, ये की आ, हाँ जी अनुच्छेद 7 दे विच की आ, अनुच्छेद 7 राज्यां दी पहली अनुसूची दे भाग बी दे नाल संबंधित आ। अनुच्छेद से जिदा ए दे नाल सी ते बी दे नाल संबंधित आ, ये तुसी याद रखना। हाँ जी अगे असी गल करते हैं अनुच्छेद 8 दी। अनुच्छेद 8 दे विच देखो 239 तो लैके 242 तक आर्टिकल आ, किन्ने आ 239 तो लैके 242 तक आर्टिकल आ, ये संघ राज खेत्र दे नाल संबंधित आ। संघ राज खेत्र की गल कर चुके हैं असी भाग एक दे विच ही आ, ते इहनूं फिर उन्होंने भाग सी का नाम दिता वा। ठीक है भी राजां दी पहली अनुसूची का भाग सी लिया गया वा, इहदे विच एक्सप्लेन किया गया वा भाग 8 दे विच, जिवें 239 आर्टिकल आ इहदे विच संघ राज खेत्रां दा प्रशासन किया गया वा, 239 ए आ बन जाता अगे, तो ये की आ विधान मंडलां ते मंत्री प्रसिद्ध दोनों का सिरजन किया गया वा, 239 ए दे विच दिल्ली दे संबंध विच विशेष उपदेश दिते गए आ, 239 ए बी दे विच संयुक्त मशीनरी दे असफल हो जाण दी सूरत दे विच उपबंधित किए गए आ। ठीक है, इदां दे आ जांदे आ। अगे देखो भाग 9, भाग 9 दे विच जिहड़ी अनुच्छेद आ उह हैगी आ 243। ठीक है, 243 अनुच्छेद आ जिहदे अगे काफ़ी ज़्यादा पार्ट किए गए उन्होंने ए बी सी करके। अनुच्छेद 243 दे विच की आ, हाँ जी देखो किन्ने पार्ट ए बी करके किए गए आ, इस करके जो मूल संविधान बन के तैयार होया आर्टिकल सीगे 395 तो जिहड़ा हुण दा संविधान आ जनवरी 2021 तक जो सोधां कीतियां गईयां वा मूल संविधान जो बन के तैयार होया 395 आर्टिकल से हुण 465 आर्टिकल आ, ये भी तुसी याद रखना। ठीक है, अगे दी अगे उन्होंने पार्ट कर दिते सीगे, इहदे लिखण दे विच तां 395 ही आ पर उन्होंने नाल तुसी देख ध्यान देना ए ए ए धारा बी ए बी धारा बी धारा सी इदा के नाम दते हुए जिमें धारा 51 तवारा 51 ए 51 बी इस तरह साढ़े को एक्सचेंज हुई वा, ये इस तरह साढ़े को इनक्रीज़ किया गया वा। ठीक है जी, जो उन्होंने ऐड करने से हूँ सीरीयल वाइज तो वह पहला ही सी, फिर उन्होंने ए बी सी दे के ऐड की अधिकार होर। ठीक है, तुसी याद रखना भाग 9 दे विच 243 आर्टिकल पहली अनुसूची दे भाग दे राज अते होर खेत्र जो उस अनुसूची विच निर्धारित नहीं किए गए सी वो भाग 9 दे विच ऐड करते सीगे। फॉर एग्जाम्पल जिमें पंचायत, पंचायत का गठन, पंचायतों की रचना, ग्राम सभा सीटा का राखवाकरण, पंचायतों की म्याद, मैंबरशिप लई नाकाबलीयत, पंचायतों दीयां शक्तियां अथॉरिटीज़, पंजाब पंचायतों द्वारा उन्हां दे फंड, वित्तीय स्थिति। ठीक है, पंचायतों का जिदा संघ राज खेत्रां नूं लागू होना ते चोण मामलों में अदालतों द्वारा दखल ते रोक, इस तरह के जिहड़े अधिकार आ वह आर्टिकल 243 दे विच ऐड किए गए आ। तो 243 आ जिहड़ा इहदे विच काफ़ी आर्टिकल ऐड होए आ जिदा ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह 243 ये किदे तक चले आ,
EFGHIJKL तक चली आ। ठीक है जी, काफ़ी ऐड हुए आर्टिकल ये। अगे देखो भाग टेन, भाग टेन के सानू दिती हुई अनुच्छेद 244, अनुच्छेद 244 भाग 10 दे विच सानू दिती हुई आ। ठीक है, एक आदि नाल संबंधित भाग 10 अनुसूचित ते होर जातियां लई राखवीकरण दे नाल संबंधित आ। ठीक है जी, ये तुसी याद रखना, भाग 10 जाने के भाग 10। ठीक है जी, हाँ जी, कादे नाल संबंधित आ, इह अनुसूचित जातियां दे नाल ते उहनां दे जिहड़ा राखवाकरण आ उहनां दे नाल संबंधित आ। अगे आ गया जी साडे कोले भाग 11, भाग 11 अनुच्छेद 244 तो 263 तक दिती हुई आ। भाग 11 दे विच अनुच्छेद 243 तो 263 तक दिती हुई आ, जिहदे विच संघ अते राजां दे विच संबंध दर्शाया गया वा, संघ अते राजां दे विच। इह वी तुसीं याद रखना, भाग 11। हाँ जी, अगे देखो भाग 12, भाग 12 दे विच अनुच्छेद किन्ने आर्टिकल भाग 12 दे विच आ। हाँ जी, भाग 12 दे विच जिहड़े आर्टिकल आ ओह हैगे आ वित्त संपत्तियां दे इकरारनामे दे नाल संबंधित, वित्त संपत्ति मुआइदे अते दावे इस तरह संबंधित आ। ठीक है जी, ये भी तुसीं याद रखना, जिहदे विच धारा किन्नियां आ, आर्टिकल किन्ने आ, 264 तो लैके 300 तक। ठीक है जी, अगे देखो फिर अगे सानू संविधान दे विच दित्ता होया वा भाग 13, भाग 13 हाँ जी, भाग 13 अनुच्छेद 301 तो लैके 307 तक संबंधित आ। ठीक है जी, तो ये कादे नाल संबंधित आ, भारत के खेत्र के अंतर व्यापार वणज अते समागम दे नाल संबंधित आ। फॉर एग्जाम्पल जिदा 301 दे विच व्यापार वणज अते समागम की सुतंत्रता वा, तो 302 दे विच संसद की व्यापार वणज अते समागम ते पाबंदियां लाउण दी शक्ति आ, ते 303 दे विच हैगा आर्टिकल 303 व्यापार अते वणज बाबत संघ दीआं अते राज दीआं विधानक शक्तियां दे पाबंदी, 304 राजां विचकार व्यापार वणज अते समागम ते पाबंदियां, आर्टिकल 305 मौजूदा कानून अते राज इजारियां लई प्रबंध करन वाले कानूनां दा बचाओ, ते आर्टिकल 307 दे विच 301 तो लैके 304 तक जिहड़े नियम पालन कीते गए सीगे उहदी नियुक्ति आ। ठीक है जी, अगे देखो आर्टिकल 14 सॉरी भाग 14, भाग 14 दे विच अनुच्छेद 308 तो लैके 323 तक आ, किन्नियां किन्ने आर्टिकल आ, 308 तो लैके 324 तक आर्टिकल आ जिहड़े, ये सानू भाग 14 दे विच दित्ते हुए आ। हाँ जी, ये कादे नाल संबंधित आ, संघ अते राजां दे अधीन सेवावां दे नाल संबंधित आ। ठीक है जी, ये तुसीं याद रखना, तो ये अगे 312 का भाग किया हुआ वा, तो 323 का भी उड़ा आड़ा भाग किया हुआ है, जिवें 323 के आर्टिकल 323 लोक सेवा कमिश्नर दीआं रिपोर्टां नाल संबंधित आ, उदा ही उन्होंने ये दो पार्ट बना दते जिदा जिदा नाम की रख्या गया। हाँ जी, जिदे विच देखो अगे 14 भाग 14 ए कर दिता उन्होंने, भाग 14 ए दे विच की आ, जिवें भाग 14 दे विच संघ अते राजां दे अधीन सेवावां वा, उदा ही भाग 14 ए दे विच हैगा वा जी। हाँ जी, उदा ही भाग 14 ए दे विच हैगा वा ट्रिब्यूनल्स, एक बारी मैं लिख दिनी हाँ भाग 14 ए। ठीक है, इहदा भी अगे पार्ट किया गया वा, इहदे विच की आ हाँ जी, अगे मैं थोनू एक विचों रह गया अपना दसन वाला, फोर्थ बारे तो मैं थोनू दस दिता सी, एक 9A भाग 9A ते भाग 9B बनाए गए सी। ठीक है जी, किहड़े भाग बनाए सी, भाग 9A अते भाग 9B। हाँ जी, 9A दे विच की सीगा, 9A दे विच थोनू दिता होया वा नगर पालिका दे नाल संबंधित, हाँ जी 9 दे विच देखो जिवें तुहानू दित्ता सीगा 9 आर्टिकल, उहदे विच की सी पहली अनुसूची दे भाग अते राज अते होर खेत्र सीगे जो उहदे विच निर्धारित नहीं कीते गए सी, उह भाग 9 दे विच निर्धारित करते सीगे। ठीक है, फिर उन्होंने अगे भाग 9A बनाया। ठीक है, भाग 9A बनाउण दे नाल उन्होंने उहदे विच नगर पालिकावां दे नाल संबंधित ऐड कीते अधिकार। ठीक है, फिर अगे उन्होंने भाग 9B बनाया,
9 बी दे विच उन्होंने जिहड़े भाग ऐड किए वो सहकारी सोसाइटियां दे नाल किए। ठीक है जी, ये भी तुसी याद रखना। हाँ जी, इन्हां दे हाँ जी जिहड़े भाग ए बी करके ऐड किए गए आ इन्हां दे नाल ही तुहाडे कोले फिर भाग 25 हो गए सीगे। ठीक है, हाँ जी, अगे हैगा भाग 15। भाग 15 दे विच की आ तुहानू दित्ता होया, भाग 15 चुनाव दे नाल संबंधित आ। कादे नाल संबंधित आ? चुनाव दे नाल। चुनाव मतलब चोणां दे नाल संबंधित है। हाँ जी, जिद्दां इहदे विच आर्टिकल किहड़े आ 324 तों लैके 329 तक दित्ते होए आ। ठीक है जी, ते 324 तों लैके 329 तक, 324 दे विच चोणां दा निर्देश कंट्रोल जां इक चोण विच कमीशन विच नहित होना। ठीक है, अगे फिर आर्टिकल 325 दे विच धर्म नसल जात पात लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति का चोणकार सूची विच शामिल किए जाने लई अपार्थ ना होने का अधिकार शामिल आ। फिर अगे आर्टिकल 326 दे विच लोक सभा अते राज दीआं विधानसभावां लई चोणां दा बालग वोट आधारित ते अधिकार ते आधारित होना। ठीक है जी, फिर आर्टिकल 328 किसी राज दे विधान मंडल दी अजिहे विधान मंडल दीआं चोणां बारे उपबंध बनाउण दी शक्ति शामिल आ। आर्टिकल 329 ए दे विच चोण मामलिआं विच अदालतां द्वारा दखल होण ते रोक आ। अगे आर्टिकल 329 ए भी बनाया गया जिहदे विच निरसत शामिल आ। हाँ जी, अगे साडे कोले गल आउंदी आ आर्टिकल 330 तो लैके 342 ये भाग 16 दे विच ऐड आ। भाग 16 दे विच आर्टिकल 330 तो लैके 342 तक ऐड आ ते कादे नाल संबंधित आ? ये कुछ क श्रेणियां संबंधी विशेष उपबंध जां उपबंध द्वारे जानकारी दिंदा है। जिवें आर्टिकल 330 दे विच लोक सभा विच अनुसूचित जातां ते अनुसूचित कबीलियां लई थावां दा राखवा करन। ठीक है, इस तरह जिद्दां फिर आर्टिकल 342 दे विच अनुसूचित कबीले, 343 दे विच अनुसूचित जातां, इस तरह दे नाल इह संबंधित आ, कुछ वर्गां दे विशेष प्रबंध दे नाल संबंधित आ। ठीक है जी, अगे असीं गल करदे हां भाग 17 दी। इहदे विच अनुच्छेद 343 तों लैके 351 तक दित्तियां होईयां वा। आर्टिकल 343 तों आर्टिकल 351 तक दित्ते होए आ अनुच्छेद 17 दे विच। ठीक है जी, किहड़ी अनुच्छेद दे विच? अनुच्छेद 17 दे विच, ते इहदे वी अगे अध्ययन किए हुए आ ते कादे नाल संबंधित आ? इह राज भाषा दे नाल संबंधित आ। ठीक है जी, आर्टिकल 17 राज भाषा दे नाल संबंधित आ, ये तुसी याद रखना। ते इहदे विच जिहड़े लैसन दित्ते हुए आ अगे दी अगे पार्ट करके ओह हैगे आ जी, पहले दे विच दित्ता हुआ वा तुहानू संघ दी भाषा, दूजे विच प्रदेशक भाषावां, तीसरे दे विच विशेष निर्देश आ। ठीक है जी, तीन पार्ट दित्ते आ इहदे अगे। अगे इस तरह ही तुसी देख सकते हो भाग 18, भाग 18 अनुच्छेद 352 तो लैके 360 तक दिता हुआ वा। ठीक है जी, किन्ने तक? 352 तो लैके 360 दे तक दिता हुआ वा सानू भाग 18, जिहदे विच अनुच्छेद 352 तो 360 तक आर्टिकल ने। तो ये कादे नाल संबंधित आ? ये संकट उपबंध जाने कि आपातकाल संबंधी जिहड़ी जानकारी आ जिहड़ी असीं अमेरिका ते जर्मनी तो लई आ। ठीक है जी, एमरजेंसी पावर वो साढ़े भाग 18 दे विच दर्ज आ, ये तुसी याद रखना। ठीक है जी, नैक्सट भाग 19। हाँ जी, भाग 19 दे विच अनुच्छेद सानू दित्ती हुई आ 361 ए तो 367 तक, कितने 361 तो 367 तक अनुच्छेदा सानू भाग 19 दे विच दित्तियां हुई वा। हाँ जी, भाग 19 दे विच जिहड़ियां सानू अनुच्छेदां दित्तियां मैं कादे नाल संबंधित आ? फुटकल नाल संबंधित आ। हाँ जी, फुटकल सब तो पहला देखो, जे नहीं पता लगता तां आर्टिकल ए असीं कर लैने आ गल आर्टिकल 361 दी। हाँ जी, आर्टिकल 361 दे विच तुहानू दित्ता होया राष्ट्रपति अते राजपालां दीआं हिफाजत। फिर अगे इहदा ही एक पार्ट किया गया 361 ए दा नाम दिता गया इहनू, धारा 361 ए संसद अते राजां दे विधान मंडल दीआं कारवाइयां। ठीक है, इदा ही फिर 61 बी भी दिता हुआ वा, 361 बी लाहेवंद राजनीतिक पदवी अते नियुक्ति दे लई नकाबलियतां। ठीक है जी, ये तुसी याद रखना। अगे देखो असीं गल कर लैने आ भाग 20 दी। भाग 20 दे विच जिहड़े तुहानू अनुच्छेद दित्ते हुए आ ये अनुच्छेद 368 दित्ती हुई है, एको एक 68 आ 368 आर्टिकल ये जिहड़ा कि संविधान की शोध के नाल संबंधित आ। तो ये की आ? संसद की संविधान की शोध करन की शक्ति उसकी
उस दियां अपनियां शक्तियां की वह शोध कर सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार भाग भी दे विच शामिल आ, अनुच्छेद 368 दे विच शामिल आ, ये तुसीं याद रखना। अगे तुहानूं क्वेश्चन आ जी भाग 21 बारे। भाग 21 दे विच की आ, अनुच्छेद 379 तो लैके 392 तक दित्तियां होईयां। हाँ जी, 379 तो लैके 392 तक अनुच्छेदां सानूं भाग 21 दे विच दित्तियां होईयां वा, जिहड़ियां कि अस्थाई, अंतरकाली अते विशेष उपबंद दे नाल संबंधित आ। ठीक है, जिद्दां असीं गल करिए 369 दी, तां इहदे विच की आ, राज सूची विचले कुछ क मामलियां बारे इस तरह कानून बनाउण दी जिवें उह संवर्ती सूची विचले मामले होण, संसद दी अस्थाई शक्ति। ते 376 दे विच जम्मू अते कश्मीर राज बारे अस्थाई उपबंद। 371 दे विच तुहानूं दित्ता होया वा महाराष्ट्र अते गुजरात राज्यां बारे विशेष उपबंद। 371 ये नागालैंड राज बारे विशेष उपबंद। हाँ जी, नागालैंड भारत का इको एक इदां दा राज आ जिथे इंग्लिश बोली जाती है, जां फिर जिहदी राज भाषा इंग्लिश है। ठीक है, जिदा अपने पंजाब की राज भाषा केड़ी आ, पंजाब की राज भाषा पंजाबी आ, उदा ही भारत का इको एक राज है जिहदी राज भाषा इंग्लिश आ, वह केड़ा वा, नागालैंड। हाँ जी, फिर अगे असाम राज बारे विशेष उप जानकारी दिती हुई है, ये किहदे विच आ, ये तुहानूं दिती हुई है जी अनुच्छेद 371 बी दे विच। फिर अगे सी पार्ट करता इहदा, उहदे विच मणिपुर बारे जानकारी आ। अगे डी पार्ट करता इहदा, उहदे विच आंध्रा प्रदेश अते तेलंगाना राज दे संबंध विच जा रही आ जानकारी प्राप्त हुंदी आ सानूं। आंध्रा प्रदेश भाषा दे आधार ते पहला भारत दा राज आ जिहड़ा गठित कीता गया सीगा संविधान दे विच, इह वी तुसीं याद रखना। ठीक है जी, हाँ जी, अगे देखो होर असीं गल कर लैंदे आ भाग 22 दी। हाँ जी, असी कहा कि भाग 22 हुंदे आ, तां भाग 22 दी गल असी कर लैंदे आ, भाग लास्ट ही आ साडा इह 22। लिखती संविधान दे विच जेकर असी लिख के देखांगे तां तुहानूं भाग 22 ही नज़र आउणगे, तुसीं इहदे विच कन्फ्यूज़ नहीं होना। भाग 22 दे विच तुहानूं की दित्ता होया वा, संखेप ना आरंभ, जाने के भाग 22 दे विच हैगे आ तुहानूं आर्टिकल 393 तो लैके 395 तक संबंधित आ। ठीक है, तो ये की आ, हिंदी विच सत्तायुक्त पाठ अते निरसन, जिदा भाग आर्टिकल 393 इहदे विच संखेप ना दी जानकारी आ, आर्टिकल 394 इहदे विच आरंभ आ, ते आर्टिकल 394 ए हिंदी भाषा विच सत्तायुक्त पाठ, ते 300 आर्टिकल 395 दे विच निरसत। ठीक है जी, इस तरह साडी जिहड़ी अज दे ए अनुच्छेदां मां ए आर्टिकल आ उह खत्म हुंदे आ। ते इह तुसीं हुण सोचोगे कि मैं तुहानूं पहलां वी दस चुकी हाँ कि तुसीं तां कह रहे हो एट प्रेजेंट भाग 25 ने, किन्ने भाग ने 25 ने, पहलां 22 सी, तां हाँ जी जिहड़े भाग ऐड किए गए आ वह भाग 26 नहीं बनाए गए, उही संविधान दे विच शोध की गई आ, जदों उन्होंने उहनूं ही सुधार के लिखिया तो उन्होंने कुछ क आर्टिकल इदां दे सीगे जिद्दां भाग 4 उहदे विच उन्होंने हाँ जी करतब मूल करतब ऐड करने सीगे, मूल करतब उन्होंने ऐड किद्दां किते, उहनूं 4A दा नाम देता। ये साढ़े कोले की बन गया, ये साढ़े कोले एक भाग बन गया जिन्हों इन्होंने भाग 23 का नाम देता। ठीक है, सब तो पहला देखो भाग तो 21 सी, क्योंकि सत्तवां भाग जिहड़ा सी ना वो रिपीट हो गया सी संविधान दे विच, जिहड़ा सत्तवां ते छेवां भाग सीगे वह रिपीटड सी, इस करके उन्होंने की किया कि वह संविधान नूं जदों विचों कट्टिया तो उहदे भाग रह गए 21, किन्ने भाग रह गए उहदे 21 भाग रह गए सी। ठीक है, जेकर वैसे पेपर च क्वेश्चन आ जाए कि मूल संविधान विच किन्ने भाग सन, तो तुसीं की लिखोगे भाग 22 ही लिखने आ, इस गल का भी ध्यान देना। ठीक है, जदों 21 रह गए फिर ऐड किया गया 4A, उहदे नाल 22 बन गए, फिर ऐड किया गया 9A, फिर ऐड किया गया भाग 9B, फिर ऐड किया गया भाग 14A। इस तरह भारतीय संविधान दे विच एट प्रेजेंट, हाँ जी एट प्रेजेंट किन्ने भाग ने, 25 भाग ने। हुण असीं गल कर लैंदे हां, जेकर तुसीं दुबारा एक बार सुनना चाहुंदे हो कि 9AB दे विच ਇਹ ਜਾਂ 14A ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਆਰਟੀਕਲ 4? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਟੀਕਲ 4
आर्टिकल फोर नहीं भाग फोर की गल कर रहे थे असी। ठीक है जी, भाग फोर। हाँ जी, भाग फोर के विच तुहानू दित्ते हुए सी राज। ठीक है, राज की गल की गई सी। सॉरी, ये तो भाग सिक्स के विच की गई सी, भाग फोर की मैं गल कर रही हाँ। भाग फोर की, भाग फोर के संघ की न्यायपालिका दे अधिकार शामिल सी। उस तो बाद उन्होंने ये मूल अधिकार शामिल करने से, मूल कर्तव्य शामिल करने से। मूल कर्तव्य शामिल करने के लिए इन्होंने की किया, उन्होंने भाग चार ए का नाम दे दिता। ठीक है, इदा ही उन्होंने को भाग सीगा। फिर भाग नाइन, नाइन सीगा जिहड़ा वह पंचायत दे नाल संबंधित सी, पंचायत दे नाल। ठीक है जी, तो ये फिर उन्होंने इनू जो संविधान के भाग ऐड करने से होर, नाइन ए का नाम दे के उन्होंने नगर पालिका ऐड की आ, नगर पालिकावां दे अधिकार ऐड किए। तो इदा ही नाइन बी दे विच सहकारी सोसाइटियां ऐड कीतियां। ठीक है, ये तुसी याद रखना। हाँ जी, अगे देखो, पूरे ध्यान दे नाल सुनना। हुण असी गल की सी चौदह ए, नाइन ए दे विच बहुत ज़्यादा आर्टिकल इदा दे जिन्हां नूं ए बी का नाम दिता, इस करके आर्टिकल एट प्रेजेंट 465 प्लस है। ठीक है, ये भी तुसी याद रखना। हुण असी गल कर रहे सी चौदह की, भाग चौदह देखो कादे नाल संबंधित आ। भाग चौदह दे विच दिता हुआ सी संघ अते राजां दे अधीन सेवावां। ठीक है, संघ अते राजां दे अधीन सेवावां। फिर उन्होंने जदों भाग चौदह ए बनाया तो वह कादे नाल संबंधित आ, वह कमेंट बॉक्स के विच तुसी लिखना होगा, क्योंकि मैं पहला वीडियो के विच दस चुकी हाँ। ठीक है जी, जिहड़े स्टूडेंट्स ने वीडियो नूं ध्यान नाल देखिया वह आसानी दे नाल दस देणगे। हाँ जी, इस दे नाल साडी अज दी वीडियो खत्म हुंदी आ। तो वीडियो तुहानू किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स के विच जरूर दसना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां लाइक ते शेयर जरूर कर देना। हाँ जी, मैं ये जरूर कहना चाहवांगी कि यह वीडियो हरेक गौरमेंट जॉब के लिए जरूरी आ, क्योंकि हरेक गौरमेंट पेपर के सिलेबस के भारतीय संविधान पूछा ही जाता है, चाहे वह किसी भी टॉपिक न रिलेटिड हो। ठीक है जी, इस करके ध्यान देना, इस वीडियो में ध्यान नाल देखना। जेकर तुसी चाहते हो कि तुहानू आर्टिकल होर डिटेल दे विच कराई जाण, जिवें आर्टिकल जिद्दां इस तरह दित्ते हुए सी ना कि 393 तो 395, आर्टिकल तुहानू इस तरह कराई जाण कि पहला आर्टिकल 393 नूं एक्सप्लेन किया जाए, फिर उहदे विच 394, फिर 395। तो यह तुसी कमेंट बॉक्स दे विच दस देना, जेकर इस तरह करने आ तां असीं उहनां दी वीडियो भी तैयार कर लवांगे। हाँ जी, जेकर यह वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ लाइक ते शेयर जरूर कर देना। तो जिहड़े स्टूडेंट्स ने हजे तक भी मेरे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया, मैं उहनां नूं रिक्वेस्ट करदी हाँ कि प्लीज़ मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करके वध तों वध शेयर करो। धन्यवाद जी।